हेलो स्टूडेंट, हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे फिफ्थ क्लास मैथ में। तो आज का ये वीडियो है, ये सेकंड यूनिट का लास्ट वीडियो है। तो इसमें हमने एक वर्ड प्रॉब्लम और ली है, ठीक है, जो डिफरेंट है और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आते हैं हमेशा, ठीक है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं फिफ्थ क्लास में, उस टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है, तो पहले हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है सेकंड यूनिट का। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 891। फर्स्ट नंबर तो ये दे रखा है कि दो नंबर का डिफरेंस, यानी कि हम माइनस करते हैं सब्ट्रैक्शन, तो उसके बाद जो आंसर आ रहा है वो दिया हुआ है हमको, 891 आंसर आता है। इफ़ द ग्रेटर नंबर इज 1561, ठीक है, दो नंबर को हमने माइनस किया, उसमें से एक नंबर दिया हुआ है, वो कौन सा है? ग्रेटर नंबर। फाइंड द अदर नंबर, आपको दूसरा नंबर पता लगाना है, यानी कि हमने दो नंबर को माइनस किया था, ठीक है, जैसे कि मैं एक माइनस करता हूँ, 7 माइनस 3 आंसर आ रहा है 4, 7 माइनस 3 आंसर आ रहा 4। तो इन्होंने सबसे पहले ये जो है इसको बोलते हैं डिफरेंस, ठीक है, ये इन्होंने दे दिया है कि माइनस करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है डिफरेंस। और उन्होंने एक और चीज़ दे दी, ग्रेटर नंबर, यानी जो बड़ा नंबर होता है जिसमें से हम माइनस करते हैं, वो इन्होंने दे दिया है। अब अपने को ये वाला नंबर पता लगाना है, ठीक है, ये नंबर कौन सा है। तो इन दोनों क्वेश्चन में यही है, इन्होंने दे दिया है कि 561 में से हमने कुछ माइनस किया, तो आंसर आ रहा है 891, आपको ये सेकंड वाला नंबर पता लगाना। तो ये सिंपल है, इन दोनों को ये वाला नंबर पता लगाने के लिए हमको इसमें से ये वाला नंबर जो आंसर आ रहा है डिफरेंस, वो माइनस करोगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ठीक है, तो बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो सेकंड वाला नंबर पता लगाने के लिए जो आंसर है उसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें माइनस करते हैं इसको, सबसे पहले हम लिखते हैं द ग्रेटर नंबर, वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी वन, और एक और चीज दी हुई डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, एट हंड्रेड नाइन्टी वन। अब हमको क्या करना है, इसको माइनस करना है, ठीक है, इन दोनों को माइनस करते हैं हम, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 9, तो हमको कैरी लेना पड़ेगा, इधर हो जाएंगे 16, इधर हो जाएंगे 4, 16 में से 9 गए तो 7, 16 माइनस 9 7, ठीक है, इधर अपने बच रहे 14, 14 में से 8 गए तो 6, तो जो सेकंड नंबर है वो है 617, ठीक है। द अदर नंबर या सेकंड नंबर है वो है 617, ये हमारा आंसर है, ठीक है, यानी कि अगर अगर हम 1561 में से 670 माइनस करते तो आंसर क्या आता है, 891, ठीक है, जो हमको दिया हुआ था। तो ये सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए भी हमको क्या करना है, माइनस ही करना है, तो इन दोनों को माइनस करने पर आ रहा है 670, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन, यानी एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम नहीं दिया हमको, सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं दिया सोल्व करने के लिए कि ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, और ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कि मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर साइन लग रहे हैं एडिशन के सब्ट्रैक्शन के और आंसर सामने हैं, उनमें से मैच करने हैं, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इनका आंसर पता लगाना है और जो सामने दिखता है इनसे रिलेटेड आंसर उसको मैच करना है। तो 171 प्लस 21 कितने होते हैं, 171 प्लस 21 कितने होते हैं, 192, तो 192 इसमें है, ये रहा, है ना, तो इससे इसको मैच करना है। ऐसे ये 165 माइनस 30 कितना होता है, 165 माइनस 30 होता है 135, तो 135 का ये रहा। 2886 माइनस 6, अब देख लो 2000 वाला नंबर तो एक ही आ रहा पहले से, ये 2080, ठीक है, तो उसमें से 6 माइनस करोगे तो 2080, 19 प्लस 113, अब अपने पास एक ही नंबर बचा ये वाला, तो 19 प्लस 113 132 होते हैं, तो ये इसका आंसर। तो इस टाइप से हमको मैच करना है कि इनके जो है आंसर वो इनमें से कौन सा है, ठीक है, जैसे इसका आंसर कौन सा है, इसका कौन सा है, उसको मैच करते रहो, ठीक है। दूसरा जो है वो ये है,
इस टाइप से जो हमने इस यूनिट में पढ़ा है। अब यहाँ पर ये नंबर जो ये हिंदी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपको इनको समझना आना चाहिए जो मैंने लिखवाई थी वन से लेके आपको टेन तक, ठीक है, वो आप लर्न कर लेना तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर क्या लिखा हुआ है। ये लिख रखा है वन, ये सेवन है, वन फोर एट, तो ये नंबर पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इधर जो दे रखा है वो कहाँ पर है ये ढूंढना हमको। अब इसमें प्लस माइनस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने एक्सपांडेड फॉर्म दी हुई है, ये एक्सपांडेड फॉर्म है, वर्ड में दिया हुआ है, ठीक है, वापस इस टाइप से एक्सपांडेड फॉर्म दी हुई है, ठीक है। ये अब इनको ढूंढते हैं, तो सबसे पहले लिख रखा है ये वन सेवन वन फोर एट, यानी कि 17,148। तो इसमें ऐसा कुछ है जिसमें वन और सेवन आ रहा हो, इसमें इससे रिलेटेड कुछ आ रहा है क्या? चलो पहले सेकंड देख लेते हैं। ये आ रहा, देखो इधर 100, तो यानी कि 100 की जगह पर 1 आ रहा है क्या? ये आ रहा है 100 की जगह 1, ठीक है, इन्होंने पहले दे दिया है, यानी कि ये 10,000 बाद में दिया है उन्होंने, 1 10,000 यहाँ लिख रखा 1 10,000, ठीक है। फिर लिख रखा 7 7,000, ये रहा, ठीक है, इन्होंने बाद में लिखा है। फिर लिख रखा 8 वंस की जगह पर 8 है, और 4 की जगह पर क्या है 10 10 10th प्लेस पर है 4, वंस प्लेस पर है 8, थाउजेंड पर है 7, और 10,000 पर क्या है 1। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर कौन सा हो गया? ये लास्ट वाला, ठीक है, तो इससे इसको मैच करना है। अब इन्होंने आगे पीछे दिया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 100 100 है इधर, ठीक है, 4 10s, ये 10 4 है, 8 1s है, फिर 7,000 है, और ये 10,000, ठीक है। अगला है ये 66,264, तो इन्होंने यहाँ पर इस टाइप से लिख रखा है 6 10,000, इसमें सीरीज वाइज ये 6 10,000, फिर वापस 6,200, 6 10 और 4 1s, ये इससे मैच हो गया। यहाँ पे क्या लिख रखा है 82,000, और यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा 82,000। अब ये बच गया है अपना 3,000 + 40 + 1, यानी कि ये एक्सपांडेड फॉर्म है, तो ये इस टाइप से इनको मैच करना है, ठीक है। तो ये दोनों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये भी मैंने बता दिए। अब हमारी सेकंड यूनिट यहाँ पर फिनिश हो गई है पूरी, सेकंड यूनिट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।